पैसे दो नहीं तो छीन लेंगे। भारत बना नया चीन। भारत के इस कदम से रो पड़ा बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश पर लगाई ऐसी लगाम कि भारत के सामने टेक दिए अपने घुटने। चीन, अमेरिका, रूस जो नहीं कर सके उसको भारत ने एक झटके में करके दिखा दिया। दोस्तों, इस समय बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंध एकदम बिगड़ चुके हैं। हालात यह हो गए हैं कि बांग्लादेश ने भारत से अपने डिप्लोमेटिस्ट को भी वापस बुला लिया है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने बकाया पैसे को भी बांग्लादेश से मांग लिया है। साथ ही साथ भारत ने बांग्लादेश को धमकी भी देते हुए कहा है कि अगर आपने हमारा बकाया पैसा समय से नहीं चुकाया तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, बांग्लादेश को लेकर बेहद चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। वहीं चीन के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। दरअसल इस समय बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा कर्ज के तले दबा हुआ है। कई देशों से पैसा उधार ले चुका है और इस समय सब उस पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे पैसे हमें लौटा दिया जाए, जिसमें भारत और रूस जैसे देश भी शामिल है, जिन्होंने अपने पैसे को वापस करने के लिए बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी है। देखा जाए तो इस समय बांग्लादेश के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही $1 बिलियन का पैसा बकाया है, जो कि उसे भारत को चुकाना है। और भारत की तरफ से पिछले 1 से 1.5 महीने में लगातार यह कहा जा रहा है कि आपको हमारी पेमेंट को जल्द से जल्द चुकाना होगा, लेकिन बांग्लादेश इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। यही कारण है कि अब तंग आकर भारत की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत ने अपने बकाया पैसे को बांग्लादेश से वापस लेने के लिए क्या सख्त कदम उठाया है? आखिर इस पर बांग्लादेश की क्या प्रतिक्रिया है? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश को सबक सिखाएं, तो दोस्तों इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत की कई बिजली सप्लायर कंपनियां बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है, लेकिन उन्हें अब तक उनके पैसों का पूरा पेमेंट नहीं मिला है। कंपनियों का बकाया अब $1 बिलियन से ज्यादा हो चुका है और अब यह कंपनियां अपने पैसे की वसूली के लिए अलग अलग तरीके आजमाने पर विचार कर रही है। बांग्लादेश की सरकार पर भारतीय बिजली कंपनियों का काफी पैसा बकाया है। इनमें से अदानी पावर, स्टील, एनर्जी इंडिया और PTC जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पर कुल बकाया रकम $1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। सेल एनर्जी इंडिया पिछले 8 महीनों से बांग्लादेश को 250 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रही है और 200 मेगावाट बिजली PTC के जरिए सप्लाई करती है, लेकिन इनका बकाया पैसा $190 मिलियन से ज्यादा हो गया है। अदानी पावर को हाल ही में कुछ पैसा मिला है, लेकिन सेल और PTC को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। अब सवाल यह उठता है कि जब कंपनियों को पैसा नहीं मिल रहा तो वह क्या कर सकती है? इसके लिए उनके पास एक ऑप्शन है जिसे सॉवरेन गारंटी कहते हैं। जब बांग्लादेश ने इनसे बिजली खरीदने का समझौता किया था तो उसने वादा किया था कि अगर वह समय पर भुगतान नहीं कर पाता तो यह गारंटी दी जाएगी कि कंपनियों को उनका पैसा मिलेगा। इस गारंटी के मुताबिक अगर बांग्लादेश की बिजली कंपनी BPDB भुगतान नहीं करती तो भारतीय कंपनियां अपनी रकम की वसूली सॉवरेन गारंटी के जरिए कर सकती हैं। अदानी पावर को हाल ही के 2 महीनों में बांग्लादेश से $70 मिलियन का भुगतान मिला है, लेकिन इसका मासिक बिल 90 से 100 मिलियन के बीच होता है, यानी अभी भी $850 मिलियन से ज्यादा का बकाया है। अदानी पावर का कहना है कि वह फिलहाल स्थिति का जायजा ले रहे हैं और तुरंत कोई गारंटी लागू करने की योजना नहीं बना रहे। वह देख रहे हैं कि क्या बांग्लादेश जल्द ही अपना बकाया चुका सकता है या नहीं, और PTC जैसी कंपनियों की स्थिति और भी खराब है। इन कंपनियों ने बांग्लादेश से बार बार पैसे मांगे, लेकिन अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। इनके ऊपर भी अपने सप्लायर्स और बैंकों का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी है। वहीं स्टील कंपनी ने अपने बकाया पैसे की वसूली के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट का सहारा लिया है। LC के अनुसार
बीपीडीबी को 5 बिजनेस दिनों में पैसा देना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति इन दिनों बहुत अच्छी नहीं है। सरकार को कर्ज चुकाने में परेशानी हो रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उन्हें लोन देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वह अपनी शर्तें भी लागू कर रही हैं, जिससे बांग्लादेश के लिए स्थिति और मुश्किल हो रही है। अब बिजली कंपनियों ने अपने पैसे की वसूली के लिए और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सील ने भुगतान न मिलने पर बांग्लादेश को एक डिमांड नोटिस भी भेज दिया है। इसके बावजूद अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। अगर बांग्लादेश जल्द ही बकाया नहीं चुकाता तो भारतीय कंपनियों को मजबूरन सॉवरेन गारंटी का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल अदानी पावर का कहना है कि वह देख रहे हैं कि बांग्लादेश कब तक अपना बकाया चुकाता है और तुरंत कोई कदम नहीं उठाने का फैसला किया है। अब यह देखना होगा कि क्या आगे चलकर बांग्लादेश भारतीय कंपनियों का पैसा चुका पाता है या फिर इन्हें सॉवरेन गारंटी के तहत बांग्लादेश से वसूली करनी पड़ेगी, जो कि बांग्लादेश के लिए बेहद ज्यादा शर्मिंदगी वाला रहने वाला है। वहीं इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया है। आप स्क्रीन पर इसका भी आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि इसके पीछे कारण नहीं बताया गया है कि आखिर बांग्लादेश ने अपने एम्बेसडर को भारत से क्यों वापस बुला लिया है। भारत के अलावा 5 देशों के एम्बेसडर को भी बांग्लादेश ने वापस बुला लिया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश मौजूदा एम्बेसडर को चेंज करके दूसरे एम्बेसडर की नियुक्ति भारत में कर सकता है और इस तरह से 5 देशों से अपने एम्बेसडर को यह सफर का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के अंदर हर संस्थान में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और पिछली सरकार के अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। तो यह एक कारण हो सकता है जिस वजह से एम्बेसडर को भारत से वापस बुला लिया गया हो। फिलहाल जो भी हो, इस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं और अगर बांग्लादेश भारत को कॉरपोरेट नहीं करता और भारत का बकाया पैसा वगैरह नहीं चुकाता तो भारत बांग्लादेश के ऊपर कई बड़े एक्शन ले सकता है। फिलहाल क्या भारतीय कंपनियों को सॉवरेन गारंटी के तहत अपने पैसों की वसूली बांग्लादेश से करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर भारतीय कंपनियों को थोड़ा और वेट करना चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।